सदाबाली, हमें कुछ करना होगा। आसान नहीं बेटा, आसान नहीं है। पा लेना इतना आसान नहीं है बेटा। राजों का बर्तन तैयार करना आसान नहीं है बेटा। मेहनत के साथ सब्र करना पड़ता है। आंखों से रोशनी और पेशानी से पसीना टपकना जरूरी है। पहले मिट्टी जमा करोगे, फिर पत्थर से चिकनी मिट्टी अलग करनी पड़ेगी। जितनी भी अच्छी मिट्टी होगी उतना ही अच्छा बर्तन बनेगा। बाला खातून कबीले में मौत से लड़ रही है, इसी वजह से इसकी कहानी बिल्कुल इंसान जैसी है। जिस तरह मिट्टी से जरूरत का बर्तन बनता है, इसी तरह मिट्टी से इंसान बनाया जाता है। उस्ताद अच्छा हो, फन में कमाल रखता हो, तो दोनों मिलकर अच्छा बर्तन बना लेते हैं। इंसान भी तो ऐसा ही है उस्मान साहब, कच्चा है, जलता है और पकता है। अगर उसकी मिट्टी खराब हो, सांचा नाकिस हो और आग की कमी हो तो वो बर्तन टूट जाता है, पानी बहने लगता है, बिल्कुल नामुकम्मल जैसे आदम की तरह। आग ही तो है जो मिट्टी को बर्तन बनाती है। इंसान को कामिल बनाता है उसका सब्र बेटा। मिट्टी का बर्तन हो या इंसान, यही वजह है कि मेरी बेटी इम्तिहानों का सामना करती है और मुसीबतों से निकल जाती है और फिर मजीद मेहनत करती है, यूं इनाम पाती है, कामयाब होती है। क्या हुआ, अगर वो अदावाली की बेटी है तो क्या इम्तिहान में नहीं पढ़ सकती? कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, उसका रोना कैसा होगा मालूम है उस्मान? कयामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा।